इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं अभी भी हजारों की तादाद में लोग बाग इकट्ठा है और सबकी एक ही मांग है कि सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और बलात्कारियों को आगे से ऐसा कोई दुस्साहस करने का हिम्मत ना मिल सके। इन प्रदर्शनकारियों के आगे सरकार की कान पर अब जूर रेंगे हैं। जो कुछ आज दिन भर हुआ राजपथ पर, विजय चौक पर हमने देखा, हमने दिखाया आपको, उसके बाद अब लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की गृह मंत्री शिंदे के साथ लंबी मुलाकात हुई है, उसके बाद दो तीन अहम फैसले सरकार ने लिए हैं। पहला, न्यायिक आयोग बनाने की बात सरकार ने मान ली है। सरकार को लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। और उससे बड़ी बात ये, जो बात तमाम प्रदर्शनकारी पिछले तीन दिनों से कहते आ रहे हैं कि इस पूरे मामले पर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के मामले में फांसी की सजा होनी चाहिए, उस पर भी सरकार ने कहा कि विचार करेगी। तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अंजना कश्यप इससे जुड़ रही है। अंजना, माना जाए सरकार इन तमाम प्रदर्शनकारियों के आगे आखिरकार अब झुकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सुमित, लगता ऐसा ही है क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, कुछ ही देर में इसका ऐलान गृहमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर सकते हैं। ये ऐलान कुछ इस तरह का हो सकता है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएगी सरकार इस मामले में और स्पेशल केसेस में फांसी का प्रावधान किया जा सकता है। अभी तक जो कानून है, देखिए सरकार अब प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की गृहमंत्री शिंदे के साथ लंबी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, जानते हैं अंजना कश्यप से इस बातचीत में क्या निकला। जी अंजना बताइए। बिल्कुल, अभी तक जो धाराएं हैं सुमित, उसको समझना होगा। अभी 375 है आईपीसी की धारा, जिसमें रेप का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको लेकर भी कई बार विवाद हुआ है। धारा 376 है आईपीसी का, जिसके तहत अभी तक जो प्रावधान है उसके मुताबिक लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास दिया जा सकता है। अब जो बदलाव लाने की सरकार बात कर रही है उसमें यही है कि रेप में भी जब स्पेशल केस हो, जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाए, सिर्फ रेप में जिसमें मर्डर या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हो, उसमें भी अगर आप फांसी की सजा का प्रावधान करेंगे तो ये एक नई चीज होगी। क्योंकि अभी तक अटेम्प्ट टू मर्डर अगर साथ में लग जाता है 376 के, जो कि धारा 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, जब वो भी लग जाता है तब ऐसा देखा गया है कि कुछ केसेस में जिसमें या तो पेशेंट विक्टिम कोमा में चली गई हो तब फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन सरकार की तरफ से अब ये पहल ये है कि फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए सिर्फ रेप केस में, लेकिन वो स्पेशल केस हो तब। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मामला जाकर अटक जाएगा, फिर वहीं पर पहुंच जाएगी सुई, जो पहले भी यही ये है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है तब फांसी की सजा होती थी, या फिर सिर्फ रेप में भी फांसी का प्रावधान पूरी तरह से सरकार करती है। सुनो बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आखिर कैसे इस धारा को शामिल किया जाता है या ये प्रोविजन जोड़ा जाता है कि एक स्पेशल केस के तहत बलात्कार के मामले में भी फांसी की सजा हो सके। ये अपने आप में एक इसमें कानून में संशोधन करना होगा, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। लेकिन सरकार फिलहाल इस मूड में दिखाई दे रही है, कम से कम इन प्रदर्शनकारियों के गुस्से के चलते कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई नजर आ रही है।